फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों पर। शहर के 7 केंद्रों में 4,135 अभ्यर्थियों ने दी नीट की परीक्षा। प्रवेश लेने से पहले परीक्षार्थियों की हुई थी जांच, घंटे भर पहले ही दिया गया था प्रवेश। सेंट्रल एकेडमी, बाल भारती, ज्योति, सेक्रेट हार्ट, ज्ञानस्थली, केंद्रीय विद्यालय एक, सरस्वती जेल मार्ग बनाए गए थे सेंटर। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर मनाया गया जश्न। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया खुशी का इजहार। सपाक्स की आयोजित बैठक, आरक्षण सहित मुद्दों पर की गई चर्चा। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ की बैठक का हुआ आयोजन। सावन में मेहरबान हुए बादल, 9.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। जिले में अब तक 132 मिलीमीटर ही हुई है बारिश, पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम। महुआ धर्मना में भाजपा कांग्रेस जीत, तो नई गढ़ी में निर्दलीय प्रत्याशियों ने मारी बाजी। 21 वर्षीय छात्रा बनी पार्षद, नई गढ़ी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 से पूर्णिमा कुशवाहा ने हासिल की विजय। ऑटो में रुपया उड़ाने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 घटनाओं में 23,000 रुपए बरामद। सामान पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान विकास साहू, पिता रामकरण साहू, उसके भाई हिमांशु साहू, निवासी निपनिया के रूप में हुई पहचान। बाड़ लगाने की बात पर दो पक्षों के बीच मारपीट, थाना परिसर में धरना प्रदर्शन। महुआ थाने के तड़हर गाँव की घटना। नई गढ़ी थाने के सुमेधा गांव में मारपीट में युवक घायल, लूट का लगाया गया आरोप। नई गढ़ी निवासी सचिन त्रिपाठी के साथ अष्टभुजा माता मंदिर से लौटते समय हुई थी घटना। सुमेधा पुल के पास शिवम सिंह, शिव सिंह सहित दर्जन भर लोगों ने की मारपीट। नकली नोटों के साथ पकड़े गए आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। मुख्य आरोपियों को पकड़ने राजस्थान पहुंची रीवा पुलिस, डॉक्टर की तलाश में दबिश। विश्वविद्यालय पुलिस ने स्टेडियम तिराहे से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशानदेही पर चल रही थी कार्यवाही। गोवंश के मौत के विरोध में बंद कराया गया बंगावा बाजार। हिंदुवादी संगठनों के नेतृत्व में नगर बंद कर थाने पर किया गया घेराव। वही प्रशासन बता रहा है सड़क दुर्घटनाओं से हुई थी दोनों गायों की मौत। सीमेंट कंपनी के कर्मचारी से साइबर फ्रॉड, बिल अपडेट के नाम पर 4,00,000 निकाले। चुराटा पुलिस ने दर्ज किया मामला। साइबर सेल की मदद से जुटाई जा रही है जानकारी। जमीन बेचने के नाम पर एग्रीमेंट कर 6,00,000 ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विछिया नदी के पैसा गांव निवासी मुकेश सोनी ने गांव के अमित पांडे से जमीन खरीदने का किया था एग्रीमेंट। अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मारी टक्कर। घटना में युवक की मौत, कोठी कंपाउंड से मंदिर के पास हुई घटना। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुवारन टोला से किशोरी का हुआ अपहरण, घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। उधारी का पैसा मांगने पर आरोपी ने की मारपीट। कोतवाली थाना क्षेत्र के अस्पताल चौराहे में हुई घटना। राजीव जैन की शिकायत पर अभिषेक मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच में जुटी। ऑल्टो कार चालक ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के धीरमा नाले के पास मारी टक्कर। हरीश तिवारी नामक युवक हुआ घायल, घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। कार की तलाश में जुटी पुलिस। कबाड़ी मोहल्ला में हरे कृष्ण लोनिया के साथ शेरू ने की मारपीट, धारदार औजार से किया हमला। घायल को उपचार के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पुरानी रंजिस को लेकर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने की मारपीट। चुनार थाना क्षेत्र के बांसी गांव में हुई घटना। सावित्री रावत के साथ पायल, रामकली, सविता, अर्जुन मुन्नीबाई, छोटेलाल रावत ने की मारपीट। जान से मारने की दी धमकी। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बुलेरो चालक ने मारी टक्कर। समान तिराहे में हुई घटना। प्रवीण चतुर्वेदी की शिकायत पर बुलेरो क्रमांक CG12D1071 के चालक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। और गंगोत्री कॉलोनी स्थित शासकीय आवास के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चुरा ले गए बदमाश। पीड़ित शुभम सिकरवार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, तलाश में जुटी। समान थाना क्षेत्र के निवासी शुभम सोनी की बुलेरो की स्टेपनी, बैटरी व अन्य सामान चुरा ले गए बदमाश। पीड़ित शुभम सोनी निवासी द्वारिका नगर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ किया दर्ज मामला। इंदिरा नगर स्थित शिव किराना स्टोर के सामने हुई घटना। रायपुर करछुलियान थाना क्षेत्र के महसुआ में एक बार फिर से चंदन तस्कर हुए सक्रिय। कीमती 3 चंदन के पेड़ चोरी। पीड़ित विख्यात सिंह के बगीचे में हुई चोरी की वारदात। एक ही रात में दूसरे घर से भी चंदन के पेड़ों सहित अन्य कीमती सामानों की चोरी की वारदात आई सामने। राजेश सिंह के घर से मोबाइल, 3 चंदन के पेड़ बदमाशों ने किए चोरी। मनगवा थाना क्षेत्र के कुदरी नंबर 1 निवासी विनोद कुमार सिंह के साथ मारपीट। भूपेंद्र सिंह अपने साथी अमित सिंह के साथ मिलकर की मारपीट। विरोध करने पर दिया जान से मारने की धमकी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। और रास्ता रोककर युवक के साथ की गई मारपीट। महुआ थाना क्षेत्र के टढ़हर में हुई घटना। राजमणि पटेल के साथ इकरार, लाल भाई ने की मारपीट। दूसरे पक्ष से भी लोग हुए घायल। शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी। 16 वर्षीय किशोरी का चाघर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 से हुआ अपहरण। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस जांच में जुटी। युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जवा थाना क्षेत्र के खपटिहा निवासी सुशीला मांझी ने उठाया आत्मघाती कदम। कारण अज्ञात। पुलिस जांच में जुटी।
और चुराटा पुलिस ने जुए के अड्डे में दी दबिश। नकदी सहित आधा दर्जन आरोपी पकड़ाए। पकड़े गए आरोपियों में केदार सिंह, शिवाकांत तिवारी, अभेश पासवान, विजय सिंह, राम सिंह शामिल। जुआ एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। जिले भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।